आपको नहीं लगता कि भिवाड़ी के अंदर जो एक दिन पहले 6 आतंकवादी पकड़े गए और अब उसके एक दिन बाद ही एक सरेआम, अगर मैं बात करूं, शाम को 7 बज रहे थे, डकैती हो जाती है, एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, पहली बात तो क्या ये विधानसभा के अंदर आप मामला उठाएंगे या नहीं? देखिए, मैं आज यहाँ आया हूँ, इस जो दुर्घटना जो इस प्रकार की हुई, इस सरकार का फेलियर। विधानसभा में तो हमने इस चीज को इतना उठाया कि सरकार डर गई, और 75 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि गृह विभाग की डिमांड पे विधानसभा में सरकार ने चर्चा नहीं कराई। हमेशा होम की जो डिमांड है वो विधानसभा में पारित की जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से, क्योंकि बहुमत इनका है, हमारे लाख कहने के बावजूद, चिट्ठी लिखने के बावजूद, इन लोगों ने गृह विभाग की डिमांड पे चर्चा नहीं कराई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज भले ही ये लोग बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हालात ये है, जब 6 आतंकवादी यहाँ एक दिन पहले ये ट्रेनिंग बता रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, देश में भी, और यहाँ पे हमारे नजदीकी पुलिस की चौकी है, नजदीकी बटालियन है, तो फिर हमारी केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? जब यहाँ पे अलकायदा का नेटवर्क चल रहा है तो ये केंद्रीय जो एजेंसियां हैं इनका काम क्या है? दूसरी बात, जब यहां पे जो कार्रवाई हुई है, दिल्ली की पुलिस आके कर रही है, तो फिर हमारे वाले क्या सो रहे हैं क्या? इनका काम क्या है? इन लोगों को इतना नहीं होश कि हमारे यहां पे इस प्रकार की गतिविधि चल रही है। बात इस पूरे प्रकरण की जांच करने की है कि इस प्रकार की गतिविधि भी है, या इसको एक हरियाणा के अंदर चुनाव आ रहे हैं तो इस प्रकार का एक माहौल बनाने की साजिश है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। पुलिस की नाक के नीचे यहां पे ट्रेनिंग सेंटर चल जाए, ये तो इनको डूब के मर जाना चाहिए, उस चीज का कोई जवाब नहीं है। अब बोलेंगे नहीं सर, 300 मीटर मैं देख रहा था, विधायक जी का बयान आ रहा था कि जो फायरिंग करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल का राशन कार्ड बनवा लें, तब इनका राशन कार्ड कहां का है? वो वायरल हो रहा है वो वीडियो। आप ये बताइए, जिस प्रकार से रोजाना, आज भिवाड़ी में घटी है तो अपने को नजर आ रही है, रोजाना कौन सा ऐसा दिन है जो अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा रहा हो? परसों पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस के अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया, सुसाइड थाने के अंदर किया है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, सुसाइड लेटर वहां पे मिल गया। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं उस लोगों उनको अरेस्ट कर रहे? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सारी मिलीभगत ऐसे लोग जो पहले ट्रैप में पकड़े गए हैं, जिन पे घूस के आरोप लगे हैं, उन लोगों पे वापस आरोप लगे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन की मांग करोगे आप राजस्थान में? देखिए, राष्ट्रपति शासन की क्या बात करें, हालत ये है कि अभी जनता ने जो इनको मौका दिया, आज इनका राज आ गया। बात यह है कि इनको काम करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, जितना 8 महीने में क्राइम हुआ है, जो रेशो बढ़ा है, पिछले अगर हम दिसंबर से बात करें तो लगभग 1.5 गुना अपराध बढ़ गए। आप देखेंगे जोधपुर में 15 दिनों के अंदर 3 नाबालिग बच्चियों से बलात्कार हुआ है, 3-3 साल की बच्चियों से बलात्कार हुआ है। क्यों भाई? जब कांग्रेस के राज में कोई घटना हुई तो आपको राजस्थान को रेपिस्तान बता रहे थे, तो आज क्या हो रहा है? आज तो अपराधिस्तान हो गया राजस्थान। इन लोगों के पास एक शब्द नहीं है, किस मुंह से? आज मैं देख रहा था विधायक जी धरने पे आके बैठ गए, सरकार के विधायक हैं, धरने बैठ के जरूरत नहीं है, कार्रवाई करने की जरूरत है। कल मुख्यमंत्री के जिले की विधायक, वो 24 घंटे में अपराधी गिरफ्तार नहीं होने पर इस्तीफा दे रही है। ये कानून है, ये राज है, पर्ची से सरकार बन गई, कोई लेना देना है नहीं, धरातल पे कुछ नजर आ रहा है। पिछली सरकार के कामों को रोक के और उल्टा नुकसान किया इस प्रदेश का, सभी प्रकार के विकास कार्य, सभी प्रकार की योजनाएं। अलवर में पहले अपराध होते थे, आज अलवर में 4-4 SP बैठा दी, अशोक गहलोत जी ने 4 SP बैठाए, भिवाड़ी में SP बैठाया, खैरदल में
कोटपुतली में, फिर तीन तीन कलेक्टर बैठाए, एडिशनल एसपी डीएसपी, इतना तामझाम बढ़ाया। अगर पुराना जैसा हालत रहा तो आज तो हालत ये हो जाती कि लोगों को रोड पे नहीं चलने देते। ये लोग क्या कर रहे हैं? पांच साल इनका राज रहा, पांच साल हमारा रहा, राजस्थान में परिपाटी रही, आधा आधा राज इन्होंने किया है। आप देख लीजिए, कोई भी स्कीम उठा के देख लीजिए, जनता के लिए जो काम हुए वो देख लीजिए किस सरकार ने किए। तो आज मैं ये भी देख रहा था कि पड़ोस में ही गृह राज्य मंत्री होके गए। आज राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। यहां से मात्र 20 किलोमीटर पे आके चले जाते हैं और यहां घटनास्थल पे नहीं आते हैं, यहां आके नहीं देखते हैं, पीड़ित परिवार से नहीं मिलते हैं, उसके आंसू नहीं पोंछते हैं। तो फिर क्या क्या इनकी संजीदगी है? इस सरकार का यही काम है? मैं कहना चाहूंगा ये सरकार हर प्रकार से फेल है। इसका जो पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। पुलिस के लोग सुसाइड कर रहे हैं, पुलिस के कांस्टेबलों को बजरी माफिया अपनी गाड़ी से कुचल के मार रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जयपुर में खुद मुख्यमंत्री जी के इलाके के अंदर ये घटना हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सरकार को सबसे पहले तो ये चाहिए कि गृह मंत्री अलग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी गृह विभाग का काम संभाल नहीं पा रहे, तो एक पूर्णकालिक गृह मंत्री सरकार को बनाना चाहिए और यहां पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो संबंधित थाना है, जिस प्रकार से 3 मिनट तक वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, लोगों ने यहां सामने से रिकॉर्डिंग कराई है, उनके परिवार के लोग लड़े और आज तक 20 घंटे बीतने के बाद में अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए, तो फिर क्या बात करते हैं अपराधियों पे नकेल। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी देती है उसके बावजूद भी इस भिवाड़ी के साथ शौचालय व्यवहार होता है और इस तरह की फैसिलिटी होती है, आए दिन हर बार तीन बार इस तरह का वाक्य हो गया इस तरह। देखिए, एक तरफ तो रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे हैं, माया जाल दिखा रहे हैं उद्योगपतियों को, आप आइए हमारे यहाँ पे निवेश करिए, और सुरक्षा के नाम पे जीरो, सुविधाओं के नाम पे जीरो, संसाधनों के नाम पे जीरो। तो ये सरकार जो है ये सरकार चला ही नहीं पा रहे। हकीकत तो ये है, इनके मंत्रियों ने इस्तीफे दे रखे हैं, हालत तो यही सरकार। नेताजी, ये तो हो गई सत्ता पक्ष की बात, विपक्ष का भी एक अहम रोल होता है, आपकी भी अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जहां सत्ता अगर चीज को नहीं देख पाती तो वहां विपक्ष का रोल शुरू होता है। आप किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे और कैसे सरकार को झुकाएंगे जो पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, आर्थिक सहयोग मिले, और उनकी अगर कोई भी मांग है, आपने बात की तो क्या ऐसी मांग है जो आपको विधानसभा में उठानी हो, या आपका भी दर्जा बराबर का ही है, आप अपने स्तर पर इस चीज को कहां तक लेकर जाने की जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, आपने अच्छी बात कही, हमारी जिम्मेदारी इस प्रकार के मामलों को उठाने की है। मैं स्वयं सारे काम छोड़ के दिल्ली था, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ और पहले जो इनका एक विकेट हमने गिरा दिया है आज ही, जो मैंने विधानसभा के अंदर जिसमें बड़ा हल्ला मचा दो दिन, जब मैंने एक मामला उठाया था कि विधि मंत्री का बेटा डबल एजी के पद पे नियुक्ति पा रहा है, ये नियम विरुद्ध है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला मैंने विधानसभा के अंदर उठाया था, जिसपे दो दिन विधानसभा में धरना भी चला था, हम लोग रात को वहां सोए थे। अब सरकार को इसका चेत हुआ है और आज उन्होंने इस्तीफा, मंत्री के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफा आज उनका हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जितने भी मामले हैं, इसमें आप ये मत समझिए कि हम इनको ढीला छोड़ने वाले हैं। भिवाड़ी की जो घटना है इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। इस चीज का पूरा मैं ध्यान रखूंगा, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी, सड़क से लेकर सदन में तो उठाएंगे। देखिए, विधानसभा के अंदर इस मामले को हम उठाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा परिवार की मदद अब तक हो जानी चाहिए थी। परिवार की मदद हो, परिवार में से किसी व्यक्ति को अगर नौकरी चाहे तो नौकरी भी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। इस प्रकार से जो आतंक यहां पे चल रहा है उस पे रोक लगने की जरूरत थी। अब तक तो जो अपराधी है वो सलाखों के अंदर होने चाहिए थे, रात को एक घंटे के अंदर अंदर हो जाने चाहिए थे, लेकिन कर क्या रहे? पुलिस कहती है हमारे पास संसाधन नहीं, ये संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा? पुलिस को संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा? सत्ता पक्ष का एमएलए अगर प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ करके ये कहता है कि मैं आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ बैठने आया हूँ, क्या परिस्थिति देखते हैं आखिर किसी और हमारा जो है सिस्टम जा रहा है? मैं तो कहना चाहूंगा 6 महीने पहले का बयान विधायक जी का देखना चाहिए, जो 6 महीने पहले उन्होंने क्या कहा था। आज विधायक जी की बात नहीं, केंद्र के अंदर सांसद जो है वो हमारे यहाँ से वो मंत्री है, बहुत बड़े पावरफुल मंत्री है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे सरकार है, क्या कर रहे हैं? सुबह मंत्री जी आए थे, कोई कार्रवाई करके गए? कोई आश्वासन देके गए? परिवार की कोई मदद करके गए? सिर्फ बैठने तो जनता आ रही है ना, फिर राजमेर आम आदमी में अंतर क्या रह गया?
नेताजी सरकार आपके थी पिछले और आप बीजेपी